हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मनोज। पिलियम्बल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। हम वोकैब वर्ड्स के साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एक एग्जाम्पल देंगे जिससे आप इनको आसानी से समझ सके। वोकैब शुरू करने से पहले टूडेज थॉट पर एक नज़र डालते हैं। डिफ़िकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज वेल एज लेवर डज द बॉडी। जिस प्रकार से श्रम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है। फर्स्ट वर्ड है क्लेमर। क्लेमर को हम नाउन और वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। क्लेमर का हिंदी अर्थ होता है दुहाई देना, शोर मचाना, गुहार करना, धूम मचाना, चिल्लाना, मांगना, जोरदार मांग करना। एग्जाम्पल, द होल क्लास ब्रोक इन टू क्लेमर। पूरी क्लास में शोर मच गया। सिनोनिम्स, हॉल, हुई एंड क्राई, नॉइज, आउट क्राई, रोर। एंटोनिम्स, क्वाइट, साइलेंस, स्टील, स्टीलनेस। नेक्स्ट है एक्विटेड। एक्विटेड को हम एडजेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है विमुक्त या बरी होना। एग्जाम्पल, यू आर एक्विटेड कैप्टन राम। कैप्टन राम, आप बरी हो गए हैं। सिनोनिम्स, एब्जॉल्व्ड, क्लियर्ड, फॉल्टलेस, गिल्टलेस, इनोसेंट। एंटोनिम्स, गिल्टी, ब्लेमेबल, कल्पेबल, इंडिकेटेबल, पनिशेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रॉल। स्प्रॉल को हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। स्प्रॉल का हिंदी अर्थ होता है लोटना, पसर जाना, अंग फैलाकर लेटना या बैठना। एग्जाम्पल, ही वुड बिगिन टू स्प्रॉल अपॉन द बेड। वह बिस्तर पर पसरने लगा। सिनोनिम्स, रेडिएट, एक्सटेंड, स्प्रेड आउट, डिवाइड, फॉक, एक्सपेंड, डिस्पर्स, स्कैटर। एंटोनिम्स, कंटेन, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, दायित्व। एग्जाम्पल, ही हैड बिकम ए डेफिनेट लाइबिलिटी। वह एक निश्चित दायित्व बन गया था। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। अकाउंटेबिलिटी, वर्डन, कल्पेबिलिटी, डेप्ट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स, अनअकाउंटेबिलिटी, असेट, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है अबिजमल। अबिजमल को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। अबिजमल का हिंदी अर्थ होता है गहरा, खराब, बहुत ही खराब। एग्जाम्पल, दिस इज एन अबिजमल कंडीशन फॉर द इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति है। सिनोनिम्स, बॉटमलेस, डीप, प्रोफाउंड। एंटोनिम्स, डेप्थलेस, हॉरिजॉन्टल, स्मूथ, कन्फाइंड, लिमिटेड। नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी को हम नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। सॉलिटरी का हिंदी अर्थ होता है कालकोठरी की सजा, अंधेरा, अकेला, एकांत, सन्यासी। एग्जाम्पल, ही वॉज बिजी एंड हैप्पी इन सॉलिटरी टूर्स। वह एकांत पर्यटन में व्यस्त और खुश था। सिनोनिम्स, अलोन, लोन, वन ऑफ, सिंगुलर, सोल, यूनिक। एंटोनिम्स, अकम्पनीड, टुगेदर, कॉमन, जनरल, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटी। फैटेलिटी को नाउन के तौर पर यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है कष्ट, नाश, घातक मृत्यु, विपत्ति, कर्मलेख। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस इज ए फैटेलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। कोरोना वायरस मानवता के लिए घातक है। सिनोनिम्स, एक्सीडेंट, कैजुअलिटी, डिजास्टर, मोर्टलिटी, लूजर। एंटोनिम्स, बर्थ, गेनर, विक्टर, विनर। नेक्स्ट है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट को हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों के तौर पर यूज करते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है निर्वासित, प्रवासी, निर्वासित करना। एग्जाम्पल, एक्सपैट्रिएट रिटर्न्ड बाय द फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई। दुबई से पहली निकासी उड़ानों से प्रवासी लौट आए। सिनोनिम्स, इमिग्रेंट, एग्जाइल, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी। एंटोनिम्स, रिपेट्रिएट,
एक्सेप्ट एडमिट रिसीव। नेक्स्ट है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई को हम वर्ब और नाउन के तौर पर यूज करते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है साक्षी होना, सिद्ध करना, गवाही देना, प्रमाणित करना, बयान करना, गवाही करना। एग्जाम्पल, सर्वेंट रामू टेस्टिफाइज टू द क्राइम, नौकर रामू अपराध की गवाही देता है। सिनोनिम्स, अनाउंस, आर्ग्यू, असर्ट, डिक्लेयर, डिपोज, इंडिकेट, स्वेयर। एंटोनिम्स, कंसील, डिनाई, हाइड, कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्क्रेडिट, रिफ्यूट, रिजेक्ट, बीटो। नेक्स्ट वर्ड है हैट्रिड। हैट्रिड को हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं। हैट्रिड का हिंदी अर्थ होता है एरुचि, घृणा, नफरत, विरोध। एग्जाम्पल, फेक न्यूज आर कॉजिंग हैट्रिड एंड कम्युनियल वायलेंस, झूठी खबर नफरत और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन रही है। सिनोनिम्स, एक्रिमोनी, एलिनेशन, एनिमोसिटी, एनिमस, डिसगस्ट, एनिमिटी, हेट, हॉरर, हॉस्टिलिटी। अब आते हैं एंटोनिम्स पर। फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, गुडविल, काइंडनेस, लाइक, लविंग। अब रिवीजन करते हैं। क्लेमर, क्लेमर यानी शोर मचाना, गुहार करना, धूम मचाना, चिल्लाना। नेक्स्ट है एक्विटेड। एक्विटेड यानी विमुक्त या बरी होना। नेक्स्ट है स्प्रॉल। स्प्रॉल यानी लौटना, पसड़ जाना, अंग फैलाकर लेटना या बैठना। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, दायित्व। नेक्स्ट है अबिज्मल। अबिज्मल यानी गहरा, खराब, बहुत ही खराब। नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी कालकोठरी की सजा, अंधेरा, अकेला, एकांत। नेक्स्ट है फेटिलिटी। फेटिलिटी यानी कष्ट, नाश, घातक मृत्यु, विपत्ति, कर्मलेख, सन्यासी। नेक्स्ट है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट यानी निर्वासित, प्रवासित या निर्वासित करना। नेक्स्ट है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई यानी गवाही देना, प्रमाणित करना, बयान करना, गवाही करना। नेक्स्ट है हैट्रिड। हैट्रिड यानी अरुचि, घृणा, नफरत या विरोध। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।